अस्सलाम वालेकुम। देखिए जनाब, इंसान जब मजबूर हो जाता है तो कुछ कदम ऐसा होता है जिसको उठाना नहीं चाहता है, फिर भी उठा लेते हैं। तो हमारी भी यही कहानी है कि हम लोग मजबूर होके आज यहाँ पे सीसी साहब के ऑफिस के आगे धरना देके बैठे हुए हैं, क्योंकि जब कोविड-19 का जब लॉकडाउन चला था, तब से हम गुहार लगा रहे हैं। हर एडमिनिस्ट्रेशन के पास, डीसी साहब के पास भी हम गए, एसएसपी साहब के पास भी हम गए हैं, तो हमारे लद्दाख इंतज़ामिया से भी हम लोगों ने बात की है, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। हमने अपना मेमोरेंडम भी हमने सबमिट किया हुआ है। अगर आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे, आप लोगों को मिलेगा हमारे टैक्सी यूनियन की तरफ से, तो हमारा जो भी मेमोरेंडम, हमारे जितने भी ग्रेवियंसिस है, किसकी रिगार्ड्स में, हमारे टैक्सी की रिगार्ड्स में, कि हमारी जो टैक्सियाँ हैं जो फंसे हुए हैं जम्मू और श्रीनगर के अंदर, तो वहाँ पर हमारे जो मैक्सिमम टैक्सीज है, तो देखिए वो बहुत सारे ऐसे जगहों में रखा हुआ है जो अनसिक्योर है, जिसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो आप लोगों को बखूबी मालूम है, यहाँ पे तो कोई अमीर लोग तो बैठे नहीं हैं, सब गरीब तबके से बिलोंग रखते हैं, तो बिलोंग करते हैं। तो आप लोग ही बताइए मुझे कि ये लोग कहाँ जाएंगे, हमारा रोज़गार क्या है? सबको पता है हमारा रोज़गार क्या है, हम लोग निर्भर है इसी टैक्सी के ऊपर। आज तो इस हालात में हमारा जो टैक्सी वो भी नहीं चल रहा है, कोई हमारा काम नहीं है। कम से कम हमारी जो, मान लीजिए हमारा कुल जायदाद जो हमारा टैक्सी है, वही है जो हम अभी भी गुहार लगा रहे हैं कि हमारे टैक्सियों को, जो हमारे जायदाद है, जो कईयों ने तो रेंट पे भी रखा हुआ है और दिन ब दिन उनके ऊपर जो रेंट है वो चढ़ता जा रहा है, तो इस हालत में हम कहाँ से देंगे? कहाँ हमारे पास वो पैसा जो हम दे दें, कहाँ से हमारी कमाई है? तो मेहरबानी करके हम फिर से इंतजामिया गवर्नमेंट को अपील करते हैं, हमारी भी तो फैमिली है, हमारे लोग क्या ऐसे उनके पास तो ऐसे पैसा तो नहीं आ रहा है कि ये लोग आराम से बैठे हैं, तो ये लोग इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास सब कुछ है। मजबूरी में हम लोग बैठे हैं, मजबूरी में हम लोग अभी जिस हालात में है, लेकिन इंतजामिया गवर्नमेंट को ये नज़र नहीं आ रहा है कि हमारी मजबूरी क्या है। हम बार बार गुहार लगा रहे हैं, अब भी फिर कह रहे हैं आप लोगों को कि बराए करम, इस मीडिया के थ्रू हम यही बताना चाहेंगे कि जो भी आप लोगों का कदम, जो आप कदम उठा सकते हैं हमारे लिए, मेहरबानी करके हमारी जो ये जो हमारे जो टैक्सी, हमारी जो जायदाद है, कुल जायदाद हमारा, कईयों ने तो सर लोन पर रखा हुआ है गाड़ियाँ, तो उनका क्या हाल होगा, कहाँ से भरेंगे, बच्चों का क्या होगा? ये चीज़ें तो सोचना चाहिए इंतजामिया गवर्नमेंट को। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ से परमिशन दे जाने के लिए, हम अपनी गाड़ियों को लाएंगे, और हमारा कोई बड़ा मसला नहीं है, हम लोग बड़ा मसले ऐसा कुछ लेके नहीं आए कि इंतजामिया गवर्नमेंट, हम यहाँ पे धरना दे के बैठेंगे जब तक हमारा मसले का हल नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुजारिश है कि जल्द अज जल्द हमारी ये जो हमारा ये जो मसला है, इस पर सुनवाई होना चाहिए, और ये इसका कोई नतीजा ज़रूर नहीं। इनका जो मसला है वो, जब से ये लोग मेरे पास आए तब से हमने इनका मसला जो है कंसर्न रीजनल कमिश्नर के सामने उठाया है। इनका इशू ये है कि टैक्सियाँ वहाँ हैं, ड्राइवर यहाँ हैं, बाकी जितने भी टैक्सीज इनके जम्मू में थे वो तो सारे निकल गए। अब इनको मेन इशू आ रहा है कि यहाँ से वहाँ जाने का जो परमिशन है आपका, और वहाँ से आने का भी परमिशन, यहाँ से इनको बस में जाना है, वहाँ से इनको दोबारा आना है। तो डीकॉम ने भी, डिविजनल कमिश्नर साहब ने इनका पूरा लिस्ट भी लिया, और जिन जिन बसों में इनको जाना था उनका नंबर भी दिया था, लेकिन कल हमें इंटीमेशन आया कि फ़िलहाल जम्मू का जो डिविजनल कमिश्नर है वो उनका कहना है कि अभी आप लोग इसमें एक दो दिन वेट कीजिए। तो फिर अभी हमने आज फिर उठाया है, तो अभी डीकॉम साहब ने कहा कि मैं फिर दोबारा मसला जो है डिविजनल कमिश्नर जम्मू के साथ उठाऊंगा, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इनका अभी दोपहर तक इनका जो है परमिशन आ जाएगा, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने स्ट्रांगली उनको बताया कि इनका बस जेन्युइन है डिमांड जो है, जेन्युइन है, जेन्युइन इसलिए है कि इनके टैक्सियाँ जो हैं वहाँ पर हमारे जो करगिल के लोग थे या लेह के लोग थे उनके घरों के सामने या उनके आंगन में रखा था, लेकिन वो सारे निकल गए। अब मसला आ रहा है कि इनको डैमेज जो है, प्रॉपर्टी डैमेज होने का ख़तरा है, गाड़ियों को नुकसान होने का ख़तरा है, तो इसलिए इनका जेन्युइन डिमांड है, इसको हमने उठाया है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अभी एक दो बस इसका नंबर भी दिया है हमने, इन्होंने जो लिस्ट हमें दिया उसमें 30 ड्राइवर श्रीनगर के लिए हैं, 30 जम्मू के लिए हैं, और इन्होंने दो बस का नंबर भी दिया है। तो अगर परमिशन आता है तो एक बस में हमारे 30 ड्राइवर जो है वो श्रीनगर के लिए जाएंगे, 30 ड्राइवर जो है वो जम्मू के लिए जाएंगे।